सलाम वालेकुम गाइस, दिस इज़ अजलान महमूद मलिक फ्रॉम अजलान ट्रॉनिक्स। गाइस कैसे हैं आप लोग? सब ठीक हैं? अच्छा गाइस, आज की वीडियो में मैं आपको एक चीज़ बताऊंगा कि आपके घर में कोई भी अगर ये इस तरह का चाइना का टीवी है या कोई ऐसा मॉनिटर है जो कि स्मार्ट तो नहीं कहना चाहिए, टीवी में अगर कन्वर्टेड है जिसमें HDMI वगैरह सबका ऑप्शन हो। कहने का मकसद ये है कि जिस LED में आपने जो है यूनिवर्सल बोर्ड डाला हुआ हो उसमें अगर एक बहुत कॉमन सा एक इशू आ जाए। अब ये जो स्क्रीन है मैं अपने घर के सिक्योरिटी सिस्टम में कैमराज में यूज़ कर रहा हूँ, तो ये HP का एक ये मॉनिटर है 19 इंच का। इसमें अब आप लोगों के सामने मैं इशू दिखाऊंगा कि हुआ क्या है। अब देखें, मैं इसकी मैं पावर ऑन कर दूँ सबसे पहले पीछे से, तो ये देखें यहाँ पे रेड लाइट ऑन हो गई है। तो इस मॉनिटर को जो है मैंने इसकी यूनिवर्सल बोर्ड की मैंने फैक्ट्री के अंदर जाके इस मोड पे इसको मैंने रखा हुआ है कि ये ऑटो पावर ऑन होता है। तो ये देखिए, एक तो ऑटो पावर ऑन नहीं हो रहा है। उसी के साथ अगर मैं यहाँ से इसको मैं रिमोट से कमांड कर रहा हूँ, ये इसका यूनिवर्सल रिमोट जो होता है, तो ये आईफोन से मैं वीडियो शूट करूँ तो आईफोन के कैम्स जो होते हैं वो इन्फ्रारेड नहीं दिखाते। तो ये देखिए, मैं इसको अगर मैं रिमोट से कमांड करूँ तो ये ऑन नहीं हो रहा है। सिमिलरली अगर मैं यहाँ से इसका मैं ये देखिए, ये इस साइड पे इसका पावर का बटन, इसको भी मैं दबा रहा हूँ तो यहाँ पे कोई लाइट का कलर चेंज नहीं हो रहा है। तो इस चीज़ के लिए सबसे पहले हमें ये LCD खोलनी पड़ेगी। तो खोलने के लिए क्या करना पड़ेगा, बहुत ही इजी स्टेप है। मैंने अपने चैनल के ऊपर LCD से रिलेटेड मैंने 2-3 वीडियोस अपलोड की हुई है, LCD को किस तरह से खोला जाता है सब कुछ करके। इसको खोलना बहुत ही इजी, सबसे पहले आप लोगों ने इसके पीछे जो ब्रैकेट है इसको उतार लेना है। ब्रैकेट उतारने के बाद आप लोगों ने क्या करना है कि इसके जो ऊपर से जो फ्रेम है इसको कुछ इस तरीके से आप लोगों ने खींच देना ऊपर से, बड़े आराम से खोलना इसको कि ये तोड़ना नहीं है आप लोगों ने। तो मैं इसको थोड़ा सा घुमा लेता हूँ, घुमा के इसको अच्छी तरह से यहाँ से ऊपर से इस तरह से हमें खोल देना है। तो ये देखिए कुछ इस तरह से खुल जाएगी ये, तो इसको इस तरह से खोल लेंगे हम लोग बड़े आराम से। तो ये मैं इसको इधर ले आता हूँ ज़रा ताकि आप लोगों को नज़र भी आए। ये देखें इस तरह से बड़े आराम से इसके फ्रेम जो ऊपर से आप लोगों ने रिमूव कर देना है। ये देखें फ्रेम इसका अलग हो चुका है, इसको साइड पे करके रख देना है अब आप लोगों ने। अब उसके बाद जो ये जो नीचे का जो ये जो स्क्रीन वगैरह है ये तब बाहर आएगी जब इसके पीछे से आप लोग ब्रैकेट उतारेंगे। तो मैं ज़रा जल्दी से इसका ब्रैकेट खोल के फिर आप लोगों को दिखाता हूँ। तो गाइस ये देखिए, इसका मैंने पीछे से फ्रेम रिमूव कर लिया, वो ये पड़ा हुआ है और ये स्क्रीन है तो उसको मैंने खोल लिया है। तो ये देखिए, ये इसके यहाँ पे ये इन्वर्टर कार्ड लगा हुआ जो कि इसकी बैक लाइट ऑन करता है CFLs को, और उसके बाद जो सॉरी CCFL को जो ऑन करता है इसके, और फ्लोरोसेंट लैंप्स को, और उसके साथ जो है ये इसके यहाँ पे देखें बोर्ड लगा हुआ है इसको खोलने के लिए। यहाँ पे अब इसके साइड के ऊपर ये स्क्रूज है, इसको खोलेंगे तो फिर इसका सर्किट निकल आएगा अंदर से। जी गाइस, तो फाइनली एंड में सब कुछ चेक करने के बाद रिजल्ट ये निकला है कि इसके जो V59 का जो यूनिवर्सल बोर्ड है ये अपनी लाइफ पूरी कर चुका है। इसका जो प्रोसेसर है वो ख़राब हो गया है। इसकी फ्लैश IC जो, उसको भी मैंने चेक किया, सब कुछ किया है तो उस पर वोल्ट वगैरह सब कुछ पूरे आ रहे हैं। और सेकंड ऑफ ऑल इसको मैं यहाँ से फ्लैश किया है, मैंने USB लगा के इसमें दोबारा से सॉफ्टवेयर फ्लैश करने की मैंने कोशिश की बट फिर भी ये कोई रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा था। उसके बाद जो है इसकी यहाँ पे ये साउंड IC होती है ये भी हीट हो रही थी, उसको भी मैंने रिमूव करके चेक किया था तो बट इसका कोई इतना इशू नहीं था। मेन जो चीज़ है उसकी प्रोसेसर ख़राब हो गया है। तो ये यूज बोर्ड मैं मार्केट से लेके आया हूँ, मतलब ये न्यू नहीं है, ये यूज बोर्ड है, एक टेक्नीशियन के पास मुझे मिला है ये, उसने मुझे 500 रुपीज़ का बोर्ड दे दिया था। तो इस बोर्ड के अंदर थोड़ा सा मसला था, ये देखें कि 5 वोल्ट की जो IC ये मैंने चेंज की है और बाकी ये बोर्ड बिल्कुल ओके है। तो इस बोर्ड के अब इस बोर्ड को मैं अपनी इसमें स्क्रीन में लगाऊंगा, इसके कनेक्शंस कुछ इस तरह से करने हैं कि देखिए, सबसे पहले तो इसका ये पैनल सेंसर वाली सामने ये आती है, ये आपका IR सेंसर है जहाँ पे आपकी स्टैंड बाई की लाइट जो है वो भी होती है, और इसके बाद जो है ये इसका ये की पैड है बटन वगैरह। उसके बाद यहाँ पे इसको जो है 12 वोल्ट हमने VDC देनी है। अब ये जैक इसका मैं निकाल कर डायरेक्ट वायर्स में सोल्ड करूँगा और उसके बाद यहाँ पे इसके ऊपर LVDS जैक लगेगा। तो LVDS जैक इस पर किस तरह से लगाते हैं वो भी मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। तो ये जो है 10 पिक्सल वाला ये है आपका LVDS जैक है, इसको लगाने का तरीका कुछ इस तरह से होता है कि देखिए इसकी जो पिन आपको ऊपर नज़र आ रही हैं LVDS जैक पे जो ये वाली जो पॉइंट बना हुआ है सॉरी जो मार्क बना हुआ है, इस मार्क को आपने ये लेफ्ट हैंड साइड से लगाना स्टार्ट करना है। अच्छा, अगर मार्क ना भी लगा हुआ हो आपने ये देखना है जहाँ पे रेड वाली वायर्स है, रेड वाली वायर्स हमेशा लेफ्ट साइड से लगनी स्टार्ट होती है क्योंकि वोल्ट वायर्स होती हैं, ये होता है। और उसके बाद ये आपने इसका सेलेक्टर स्विच है, यहाँ से इसको आपने सेलेक्ट कर लेना। अगर आपका पैनल जो है वो 24 इंचेस तक के तो वो फिर वो 5 वोल्ट को सपोर्ट करेगा, तो इसको सेलेक्टर स्विच को आपने 5 वोल्ट पे लगाना है। अगर आपका पैनल बड़ा है यानी 32 इंचेस का, 40 इंचेस के ऊपर 12 वोल्ट पे होता है तो उसको फिर सबसे टॉप पे 12 वोल्ट पे लगाना है। और अगर आपका पैनल छोटा है तकरीबन 13 इंच का, 14 इंच का, 15 इंच का, तो उसके लिए फिर 3.3 वोल्ट्स होते हैं। तो इस तरह से ये देखें इसके कनेक्शन ऐसे होते हैं। अभी मैं आपको प्रैक्टिकली करके भी चेक करवाता हूँ।
पैनल मैंने जो है इसका लगा दिया इसके ऊपर, और ये स्टैंड बाय मोड पे भी आएगी। फिर मैं रिमोट से इसको ऑन करके देखता हूँ, तो ये देखिए ब्लू लाइट हो गई है, स्क्रीन भी ऑन हो गई है। ये क्या, ये तो कलर्स बहुत सारे दिखा रही है, पैनल कंटिन्यूसली ब्लिंक कर रहा है, क्या कार्ड का इशू है, क्या इशू है? नहीं गाइस, इसमें जो है सॉफ्टवेयर का इशू, इसमें सॉफ्टवेयर नहीं हुआ हुआ। तो ज़रा अब इसके अंदर मैं क्या करता हूँ, सॉफ्टवेयर डाल लेता हूँ, जो मेरे जो कार्ड का मॉडल नंबर है और जो मेरी स्क्रीन की रेजोल्यूशन है, दोनों को जो है एक तरह से जो है कंपेयर करते हुए और उसका सिमिलर सॉफ्टवेयर उठाते हैं ज़रा नेट से, फिर इसको यूएसबी में फ्लैश करके देखते हैं। सॉफ्टवेयर के अंदर फ्लैश करने के लिए आपके पास दो चीज़ें होनी चाहिए, एक आपके पास कंप्यूटर होना चाहिए है और उसके साथ एक आपके पास एक अदद कोई भी यूएसबी होनी चाहिए है, पेन ड्राइव जो होती है। सबसे पहले आप लोगों ने क्या करना है, आपने चले जाना है क्रोम ब्राउज़र पे, क्रोम ब्राउज़र पे आपने जाने के बाद जो है अपने कार्ड का मॉडल नंबर सर्च करना है, जैसे मेरा है TR31 जो है मेरा इस तरह से नंबर है। मैं जिस तरह से आपने करना है, फिर बेशक आप कहीं से भी उठा लें, आप काजमी इलेक्ट्रॉन से उठा लें या आप जो है इसको कहीं से भी जो है इसको पिक कर सकते हैं। तो फर्स्ट करें मैं जिस तरह से इस वेबसाइट पे चला जाता हूँ, यहाँ पे जाने के बाद थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करूँगा मैं, ये ज़रा कार्ड के स्पेसिफिकेशन वगैरह बता रहे हैं, और नीचे आता जाऊँगा मैं तो ये यहाँ से इसके सॉफ्टवेयर के सारे आपको जो रेजोल्यूशन के मिल रहे हैं। अब मेरा जो है मेरा ये है 1440x900, इसको मैं डाउनलोड कर लेता हूँ। ये थोड़े से एड्स वगैरह आएंगे, इसको स्किप कर दें आप। ये देखें ये मेरी रेजोल्यूशन है इसकी, तो इसको मैं यहाँ पे करता हूँ जनरेट, डाउनलोड लिंक पे क्लिक कर देता हूँ मैं। ये देखें योर फाइल विल बी डाउनलोडेड इन 12 सेकंड्स, ये इसने मुझे मैसेज दे दिया है। ये बेसिकली इसकी बिन फाइल्स होती हैं जो KB के अंदर होती हैं, वो आप लोगों को जो है इसके अंदर फ्लैश करनी पड़ती है। ये देखें लिंक आ गया इसका, इसको मैं क्लिक कर लेता हूँ यहाँ पे, ये डाउनलोडिंग स्टार्ट हो चुकी है यहाँ पे। चले ये देखें ये विनार का यहाँ पे सारा डाउनलोड हो गया। अब इसको एक्सट्रैक्ट करने के लिए आपके पास विनार होना चाहिए है, तो इसको ज़रा यहाँ से बंद करते हैं। अब ज़रा हम लोग चलते हैं यहाँ पे अपने फाइल मैनेजर में, फाइल मैनेजर में जाकर डाउनलोड्स में चलते हैं। यहाँ पे ये हमारा जिस तरह से ये ऊपर वाला है, इसको हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा जूम इन कर लेता हूँ मैं, राइट क्लिक करके और उसके ऊपर आपने करना है एक्सट्रैक्ट हेयर के ऊपर क्लिक कर देना है। एक्सट्रैक्ट हेयर पे जब आप क्लिक करेंगे तो ये देखें नीचे की साइड पे आपको ये नज़र आ गया है, ये इसको अब आपने ओपन कर लेना है। ये देखें ये ओपन हो गया है, ये बहुत सारे आपके पास ये चार आपके पास ये आ गए हैं। अब आपने क्या करना है, ये जिस तरह से आप इसको जब खोलेंगे एक एक फोल्डर को, ये देखें इस तरह से, तो इसके अंदर जो है आपको बिन फाइल्स मिलेंगी ये वाली। अब आपने एक एक करके ये चारों फाइल्स मिल जाएंगे आपको, एक एक करके आपने चारों ट्राई करनी है, जो अगर आपके कार्ड पे नहीं लग रही तो फिर आपने दूसरी सेलेक्ट करनी है, दूसरी इस तरह से करके देख लें, इन चारों में से कोई एक ना एक ज़रूर आपके उसमें जो है कार्ड में लग सकती है। अब हम ज़रा USB पेन ड्राइव जो प्लग इन करते थे PC के अंदर, प्लग इन होगी जिसमें जो पुरानी हुई फाइल है उसको डिलीट कर देते हैं। कोशिश ये करनी है कि आपकी जो USB है उसके अंदर और कोई डेटा नहीं होना चाहिए, USB बिल्कुल खाली होनी चाहिए है, सिर्फ इसकी बिन फाइल होनी चाहिए, तब जाके आपका ये जो है फ्लैश होगा कार्ड जो है। तो मैं आप सबसे पहले वाले को क्लिक कर लेता हूँ। ये देखें ये बिन फाइल आ गई, इसके ऊपर राइट क्लिक करके सेंड टू अपनी ये जो USB मेरा अजलान मलिक नाम जो आ रहा है जहाँ पर इस पर सिलेक्ट करूँगा मैं, ये इसमें चली जाएगी। चलिए ये चली गई है, अब ज़रा USB निकाल के और उसमें कार्ड में लगा के देखते हैं कि फ्लैश करते हैं। के अंदर इसको कुछ लगाने का तरीका ऐसा होता है कि कार्ड की आपने पावर सप्लाई बिल्कुल निकाल देनी, कार्ड आपका ऑन नहीं होना चाहिए, कार्ड में आपने USB प्लग इन करके और पीछे से इसकी पावर ऑन कर देनी, बस आपने कुछ भी नहीं करना। विद इन 5 to 6 seconds जो आपका सॉफ्टवेयर खुद इसके अंदर फ्लैश हो जाएगा। मैं अभी आपको दिखाता हूँ क्या प्रोसेस होता है। देखिए USB मैंने प्लग इन कर दिया इसके अंदर, अब मैं ज़रा स्क्रीन को आराम से एडजस्ट करके और मैं ज़रा इसका प्लग लगा देता हूँ पीछे से। गाइस जब सॉफ्टवेयर इसके अंदर फ्लैश होगा तो उसकी लाइट जो है कुछ इस तरह से रेड एंड ब्लू पे ब्लिंक करेगी। ये देखें आप कोशिश करें जब तक ये लाइट ब्लिंक करिए आपका ये जो सिस्टम है डिस्कनेक्ट नहीं होना चाहिए, मतलब पावर सप्लाई वगैरह हिलनी नहीं चाहिए है और USB वगैरह आपने अनप्लग नहीं करनी है। जस्ट जैसे ये सॉफ्टवेयर कंप्लीट हो जाएगा लाइट खुद ही जो है रेड हो जाएगी या ब्लू होकर स्क्रीन ऑन हो जाएगी। तो अब ज़रा इसको वेट कर लेते हैं, 5 to 6 seconds का टाइम लेता है ये फ्लैश होने में। ये देखें फ्लैश हो चुका है सॉफ्टवेयर इसके अंदर,
लाइट रेड हो चुकी है। अब मैं जस्ट क्या करता हूँ, मैं सिंपली इसको मैं पावर ऑन करता हूँ, देखते क्या होता है। ये देखें सही तरीके से जो है डिस्प्ले इसका आ गया है, आप लोगों के सामने है। लेकिन ये थोड़ा सा उल्टा आ रहा है, इसकी थोड़ी सी इसकी फैक्ट्री में जाकर इसकी सेटिंग्स वगैरह करनी है। वो किस तरह से करनी है मैं आपको बता देता हूँ। आपने मेन्यू का बटन दबाना है और एक कोड डायल करना है 1147। ये कोड डायल करेंगे इससे आकर देखें आपके सामने कि सारा खुल गया है, एक फैक्ट्री सेटिंग आ गई है। आपने क्या करना है, यहाँ पे सबसे पहले नीचे आ जाना है, जनरल सेटिंग्स में पहले जाके देखना है। और बैक लाइट जो है इसकी मैं थोड़ी सी तेज कर लेता हूँ, इसको मैं जीरो पे ले जाता हूँ, ठीक है। उसके बाद फिर आपने पीछे दोबारा से मेन्यू पे आना है और उसके बाद आपने यहाँ पे आना है, मैं आपको दिखाता हूँ, सबर कीजिए। पैनल सेटिंग्स में, पैनल सेटिंग्स में आपने यहाँ पे एक फ्लिप का ऑप्शन होता है, फ्लिप को आपने ऑफ कर देना है। यहाँ पे ये देखिए फ्लिप मैंने यहाँ से ऑफ कर दिया आके। और उसके बाद अब आपने एक और इसकी सेटिंग यहाँ पे सेट करनी है जो कि ये जाडा वाला है आपका, मैं दिखाता हूँ आपको, सॉरी देखिए स्क्रीन ऑफ होगी एक दफा, दोबारा ऑन करते हैं, ब्लू स्क्रीन आ गई। ये देखें कि अब ये सीधा हो गया है, अभी ये लाइन ब्लिंक कर रही है, इसका थोड़ा सा LVDS का इशू है नीचे से, उसको मैं प्रॉपरली जब सही करके लगाऊंगा तो सही हो जाएगा। अब हमने क्या करना है, दोबारा से यहाँ पे जाना है, इसके थोड़े जो कलर फेड हो रहे हैं उनको सही करना है। तो ये LVDS को ये जो जाड़ा है इसको हम लोग कर देंगे। आपके कलर जिस पे भी अच्छे हो जाए, थोड़े ब्राइट हो जाए, तो आपने जो इसके ऊपर इसको कर देना है, तो मैं इसके ऊपर ही कर देता हूँ उसको। ये देखें अब यहाँ से ज़रा डिसेबल कर लेते हैं इसको, कलर्स वगैरह इसके देखते सही आए हैं या नहीं आए हैं। देखिए मुझे फिलहाल इसके कलर्स यहाँ पे बिल्कुल ठीक लग रहे हैं, तो मैं इसको इसी सेकंड्स में, मैं इसको इसी सेटिंग्स में मैं लॉक कर देता हूँ उसको। तो ये देख लें ये स्क्रीन जो है बिल्कुल सही ऑन हो गई है। अब इसको क्या करते हैं, अब इसको फाइनल इसके केसिंग के अंदर इसको पैक कर फिर आप लोगों को इसके फाइनल रिजल्ट दिखाता हूँ मैं। गाइस फाइनली जो है इसका मैंने पैनल लगा दिया ऊपर, अभी टेम्पररी लगाया मैंने, अभी इसको उसकी केसिंग में बंद करना है। और ये इसका इसको ज़रा एक दफ़ा रिमोट से ऑन करके चेक करते हैं क्या स्टेटस है। देखिए लाइट ब्लू होगी, स्टैंड बाय से हट गई स्क्रीन, देखिए स्क्रीन ऑन भी हो गई है। और ये बाकी है अपनी, ये बूट होगी स्क्रीन, ये केबल मोड पे आ गई है। देखिए बिल्कुल आप लोगों के सामने कोई फ्लक्चुएशन वगैरह अब नहीं हो रही, जो LVDS के पहले जो वो आ रहा था थोड़ा थोड़ा वो भी नहीं आ रहा है। जो आप लोगों को थोड़ी सी स्क्रीन जो है ब्लिंक करती हुई नज़र आ रही है वो इस वजह से कैमरे की वजह से, बाकी देखिए ओवरऑल सब कुछ ठीक है। फाइनली गाइस स्क्रीन जो है वो पूरी पैक हो चुकी है, ज़रा इसको ऑन करके चेक करते हैं। ये देखें स्क्रीन ऑन हो गई है, और बिल्कुल देखें सही ऑन हो गई है। अब ज़रा इसको मैं अपने कैमरे के ऊपर लगा के फिर आप लोग उसको बिल्कुल फाइनल रिजल्ट दिखा के फिर वीडियो को एंड करते हैं। फाइनली गाइस देखें स्क्रीन लग गई है और बाहर ये कैमरे का व्यू मुझे दिखा रही है AV के ऊपर। तो ये देख सकते हैं आप लोग इसके फाइनल रिजल्ट्स हैं, बिल्कुल क्लियर, कोई लाइंस वाइंस नहीं आ रही है, बिल्कुल A1 जो है बाहर का रिजल्ट दिखा रही है मुझे मेरी गली का। बाकी बस देख ले सब कुछ बिल्कुल ओके है। तो आई होप सो गाइस वीडियो को आपने एंजॉय किया होगा, अगर एंजॉय किया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, थम्स अप कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।